हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी C25S फ़ोन के डिटेल्स के बारे में। गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को इस फ़ोन का डिज़ाइन बताऊंगा, फिर डिस्प्ले बताऊंगा, फिर प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, और गाइस मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा इस फ़ोन का प्राइस। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियलमी C25S फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। गाइस, आप लोगों को इस फ़ोन की हाइट 164.5 मिलीमीटर देखने को मिल जाएगी। गाइस, आप लोगों को इस फ़ोन का वेट 209 ग्राम्स देखने को मिल जाएगा। थिकनेस 9.6 मिलीमीटर देखने को मिल जाएगी। वाइड 75.9 मिलीमीटर देखने को मिल जाएगी। और गाइस, आप लोगों को इस फ़ोन के टू कलर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लू एंड ग्रे। आप लोगों को इस फ़ोन में 6.5 इंचेस HD+720x1600 पिक्सल्स का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट है 60Hz। गाइस, आप लोगों को इसमें ब्राइटनेस 570 nits की देखने को मिल जाएगी, विथ वाटर ड्रॉप नॉच भी गाइस आप लोगों को इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। गाइज, आप लोगों को इस फ़ोन में मीडिया टेक हिलोए G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और गाइज, आप लोगों को इस फ़ोन में CPU ऑक्टा कोर का देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो गाइज, आप लोगों को इस फ़ोन में बैक साइड में 3 कैमरास देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से पहला है 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। गाइस, आप लोगों को इस कैमरा में +5x डिजिटल जूम भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस, हमारा दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डीप्थ कैमरा। गाइस, अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आप लोगों को इस फ़ोन में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइज, जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप लोगों को इस फ़ोन में 6000mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी, प्लस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी गाइज आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के स्टोरेज के बारे में। आप लोगों को इस फ़ोन में 4GB RAM मिल जाएगी, प्लस 64GB ROM मिल जाएगी, जिसको आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256GB तक। आप लोगों को इस फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वर्जन 11 का देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस फ़ोन का प्राइस लगभग 10,000 देखने को मिल जाएगा, जिसमें 4GB RAM होगी प्लस 64GB ROM होगी। गाइस, मेरे हिसाब से तो ये 10,000 में बेस्ट फ़ोन है। आप लोगों को इसमें बिग बैटरी भी मिल जा रही है, और 4GB RAM मिल जा रही है, प्लस 64GB ROM मिल जा रही है, क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जा रहा है। तो गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा। गाइस, अगर आप लोगों को ये फ़ोन अच्छा लगा और परचेस करना है तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।